देखते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं। उन पर कृषि विशेषज्ञ से विस्तृत चर्चा होती है। साथ ही हमारी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं का भी समाधान ले समाधान हम ले अपने विशेषज्ञों से, और आपकी समस्याओं को दूर करें वो भी लाइव। इसके लिए आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आज के विषय के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, जिनसे संबंधित आज हम आपके सवाल लेंगे। तो आज का हमारा पहला विषय है मधुमक्खी पालन, और साथ ही हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। मधुमक्खी पालन से कई तरह के लाभ है, जहां हमारे मधुमक्खी पालकों को शहद बेचकर फ़ायदा होता है, कमाई होती है। इसके अलावा कई और भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अब बाज़ार में लगातार मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ अगर किसान खेती के साथ मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उससे उनको अपनी फसलों में भी काफ़ी लाभ होता है। फसलों में अच्छा परागण होता है, जिससे अच्छी उपज भी मिलती है। तो मधुमक्खी पालन कैसे व्यावसायिक तौर पर अपनाया जा सकता है, किसान क्या इसे सिर्फ एक अतिरिक्त आय का माध्यम समझ कर भी अपना सकता है, इस पर हम विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, तो ये भी आज के समय की मांग है। बहुत सारे किसान अब रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट करें, जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 1800-113-060। दूसरा नंबर देख लें, 1800-113-061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ़ोन उठाएं और फ़ोन लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें, व्हाट्सएप पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, 8800-520-7717। व्हाट्सएप पर सवाल आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, कोई तस्वीर हो तो वो भी आप भेज सकते हैं हमें। इसके साथ ही आप हमें ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। तो तीन तरह के विकल्प हैं आपके सामने, कॉल करें, व्हाट्सएप करें अपने सवाल, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं, तो कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखें। नेटवर्क क्षेत्र से ही हमें कॉल करें, जहां से हम आपकी आवाज़ आपके सवाल को स्पष्ट रूप से सुन सकें, ऐसी ही जगह का चुनाव करें। अपनी बात को कम शब्दों में पूरा करने का प्रयास करें, और साथ ही अपना नाम और अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर बताएँ। व्हाट्सएप करते हुए भी आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट या वॉइस नोट से भेज सकते हैं, उसमें भी अपनी बात को आप स्पष्ट लिखें और अपना नाम अपने क्षेत्र के नाम के बारे में ज़रूर लिखें। इसी तरीके से ईमेल में भी इस बात का ध्यान रखें। तो दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं अगले एक घंटे तक आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और दोनों ही विषय पर हम विस्तृत जानकारी भी उनसे हासिल करेंगे। उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी के राणा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अध्यक्ष हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली, और आप हमें मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दीपक कुमार जैन। सर, आपका भी स्वागत है। और आज का जो हमारा दूसरा विषय यानी प्राकृतिक खेती, उस पर आप हमें विस्तृत जानकारी देंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही दर्शकों के कॉल्स भी लेंगे। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान से, और दोनों विषय के बारे में हमने जानकारी दे दी। और दो हमारे विशेषज्ञ हैं अगले एक घंटे तक आपके लिए रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। मधुमक्खी पालन कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों इसे कह रहे हैं कि हम एक मीठी क्रांति की तरह इसे हम आगे प्रोत्साहित करें? सरकार भी इस पर काफ़ी जोर डाल रही है, किसानों के लिए भी, और साथ ही अगर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो किसान नहीं भी है वो भी मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो कितना लाभकारी है ये? मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती या दूसरी खेती करते हैं, जो ट्रेडिशनल अपनी जो खेती करते हैं, उसके साथ साथ अदर इनकम के रूप में, जैसे भारत सरकार की जो नीति है कि किसानों की आय जो दोगुनी की जाए, उसमें मधुमक्खी पालन एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
क्योंकि जो किसान अपनी खेती कर रहा है उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन को आसानी से किया जा सकता है। जी जी। क्योंकि इसके लिए कोई अलग से खेत जो है खेत की जगह की भी आवश्यकता नहीं होती, जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ भी मधुमक्खी पालन का कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो एक अच्छी इनकम के लिए किसान भाई के लिए सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, इससे अच्छी इनकम भी हो सकती है और किसान जो खेती कर रहे हैं वो भी साथ साथ कर सकते हैं, युवा हैं जो कृषि के क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय तलाश रहे हैं जिसमें ज़्यादा कमाई हो और बहुत ज़्यादा श्रम ना हो, तो आप चुनाव कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का। इससे जुड़ी पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर लेंगे आपके सवाल। भारत की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। बेरोजगार युवकों के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन रोजगार का एक अच्छा जरिया है। दरअसल मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती है, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए चार तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ावा देने के खूब प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन भी सम्मिलित है। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार व विकास की मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई, सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है, आइए उस पर चर्चा करते हैं, जो कि है प्राकृतिक खेती। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी दीपक जी, जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट को ही हम समझ लेते हैं, है क्या? क्योंकि प्राकृतिक लगता है कि नेचुरल खेती, तो प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती किससे किस क्या समझे इसके बारे में? जी किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती का एक ऐसी विधि है जिसमें कृषि पद्धतियों को निर्देशित किया जाता है। सरल भाषा में अगर अपन समझे तो जब कभी आप जंगल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि असामान्य फल देने वाले पौधे जैसे आम, इमली, जामुन, कटहल वगैरह, तो इनमें आप देखेंगे निरंतर फलन होता है। और ये जो फल होते हैं हर सीजन में, इनमें हर सीजन में फल निरंतर होते हैं, और न तो कोई इसको रोग से बचाता है, प्रकृति ही इसको पानी देती है, प्रकृति भी इसको खाद देती है, तो कुल मिला के प्रकृति सब कुछ करती है। तो हमें ज़रूरत है कि जो प्रकृति है वो सब कुछ करती है और हमें उसमें भागीदारी करनी है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उसको हमें संवारना है, और मिट्टी के अंदर आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक खेती गाय, देशी गाय या उसके उत्पादों पर आधारित है। जो भी संसाधन इसमें काम में लिए जाते हैं वो खासकर गाँव में ही होते हैं, या गाय के गोबर या मूत्र वगैरह से किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वातावरण को स्वस्थ रखना है और कृषि में लागत को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। और प्राकृतिक खेती आने वाले समय में सीमांत और लघु किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि
कृषि की प्राकृतिक वह विधि है जिसमें कृषि पद्धतियों को प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है। हमें सिर्फ प्रकृति के साथ भागीदारी करनी है, न कि मालिकाना करना है। ये प्राकृतिक बिल्कुल, तो प्रकृति के साथ हमें भागीदारी करनी है, प्रकृति के साथ हमें चलना है, प्रकृति के विरोध में नहीं चलना है। और यही इस पूरी जो पद्धति है कृषि की, जिसे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, यही इसका मूल है। चलिए प्राकृतिक खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना वर्तमान समय की जरूरत है। इस बात को सरकार बखूबी समझ रही है और प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा दे रही है। दरअसल प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को मूल आधार माना जाता है। बता दें कि देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग बातें हैं। जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार तो होता है, लेकिन अधिकतम पैदावार के लिए अकेले जैविक खेती काफी नहीं होती। जबकि प्राकृतिक खेती में पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बता दें कि पिछले 9 सालों में करीब 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया जा चुका है। तो बिल्कुल, अभी आपने जाना प्राकृतिक खेती के बारे में और कुछ जो आम तौर पर प्राकृतिक खेती को लेकर सवाल होते हैं हमारे किसानों के, उनका भी हमने जवाब देने का प्रयास किया इस रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन अगर आपके और कोई जो व्यवहारिक समस्याएं पैदा होती हैं, जब आप चाहे वो मधुमक्खी पालन करें या प्राकृतिक खेती करें, उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएं, ईमेल करें या फिर कॉल करें। और एक ऐसे ही व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है, हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के, इन्होंने हमें सवाल भेजा आजमगढ़ से। और सर, ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ सवाल है, जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती को पॉजिटिव खेती में कैसे बदला जाए जिससे किसानों को अधिक लाभ हो। जी, प्राकृतिक खेती को, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। प्राकृतिक खेती को प्रॉफिट वाली खेती में इस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ होते हैं, जीवामृत, गर्म जीवामृत, दूसरा बीजामृत, तीसरा इसका मल्चिंग, चौथा इसका सब फसल और वापसा। इन अगर 5 स्तंभों का सही तरीके से आप समन्वय करेंगे तो निश्चित तौर से प्राकृतिक खेती प्रॉफिटेबल होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राकृतिक खेती में आने वाले समय में आप जीवामृत, बीजामृत या घन जीवामृत का तो प्रयोग कम कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की दशा सुधर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 90% लोग जो है वो मल्चिंग, जिसको आच्छादन कहते हैं, वो नहीं करते हैं। आच्छादन नहीं करने से उससे खेती में नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात है कि मल्चिंग जब करेंगे तो उससे क्या होगा, 90% तक आपके पानी की बचत होगी। और साथ ही जो जमीन के अंदर, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि फिट द सोइल नॉट द प्लांट,
मतलब जमीन को आपको उर्वर, जमीन अपनी माँ है, अगर इसको ज़्यादा उर्वर रहेगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, और केंचुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी और पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और खरपतवार कम लगेंगे। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें लागत कम करनी है और उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना है, तो यह मल्चिंग के द्वारा संभव है। और साथ ही साथ इसमें वापसा के भी जरूर ध्यान रखें, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था कि पौधों को जो संग्रहण रहता है प्राकृतिक खेती में, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भोजन रहता है वो तनों के अंदर संचय रहता है, तो जितना भोजन संचय तनों के अंदर रहेगा उसका 50% ही भाग आपके उत्पादन में रहता है। तो अगर प्राकृतिक खेती करेंगे और जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ेगी तो जो तने में भोजन है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अब जब तने में भोजन बढ़ेगा तो तब बढ़ेगा जबकि जड़ों की, या तो तना मोटा होगा, और तना मोटा जब होगा जबकि जड़ों की मोटाई बढ़ेगी, और जड़ों की मोटाई जब बढ़ेगी जबकि जड़ की लंबाई बढ़ेगी, और जड़ की लंबाई जब बढ़ेगी जब उसको पानी दूर से दिया जाएगा, तो जब पानी दूर से दिया जाएगा और वापसा जैसी स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर से जड़े की मोटाई बढ़ेगी, और जड़े की मोटाई बढ़ेगी तो तने की मोटाई बढ़ेगी, और तने की मोटाई बढ़ेगी तो पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी, और पेड़ की ऊंचाई जब बढ़ेगी तो शाखाएं और बालियां और फल फूल ज़्यादा लगेंगे, और जब ज़्यादा फल फूल लगेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह प्राकृतिक खेती में इसके 5 स्तंभों का अगर सही तरीके से समन्वय करके चलेंगे तो निश्चित तौर से उत्पादन और यह प्रॉफिटेबल रहेगा। बिल्कुल, तो ये प्राकृतिक खेती को कैसे प्रॉफिट की खेती में तब्दील किया जाए, अंकुर सहाय का ये सवाल था, और आपने सर बहुत विस्तृत तरीके से इसे समझाया कि कैसे आप इन बातों का ध्यान रख के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और जो प्रकृति ने संसाधन दिए हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करना है, आपको फैक्ट्री मेड चीज़ों का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आप बने रहे हेलो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और मधुमक्खी पालन के बारे में, दोनों विषय से जुड़े हुए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। और कुछ और व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आए हैं, आइए उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। और हमारे ये दर्शक हैं सर, मधुमक्खी पालन क्या साल भर राजस्थान में हो सकती है, इसके लिए क्या तैयारी करें? मेघराज है राजस्थान से दर्शक, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान की जो वहाँ की जो प्राकृतिक स्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है, क्या वहाँ पर पूरे साल मधुमक्खी पालन किया जा सकता है और कैसे करें? मेघराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप राजस्थान से रहने वाले हैं,
तो मधुमक्खी पालने के लिए जरूरी है कि आपने सुना होगा कि फूल का होना, क्योंकि फूल जो होता है उसी से मधुमक्खी रस लेती है, जिसको हम नेक्टर और पोलन दो रूप में बोलते हैं। तो ऐसा क्षेत्र आप देखिए, क्योंकि इसके लिए आपकी या तो सब्जियों की खेती होती हो, या फिर जो है आपके जो दूसरी जो है आपके फल वाली चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, चाहे लीची का हो, चाहे अनार का हो, चाहे आपका अमरूद का हो, चाहे आपका दूसरी जो फ्रूट हैं फल हैं उनकी खेती होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ जंगली पौधे होते हैं जैसे नीम है, कीकर है, यूकेलिप्टिस है, इनके भी अगर बड़े जो है कहीं जंगल है या कहीं है ये, तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको ये देखना होगा कि 12 महीने में करने के लिए आपको नेक्टर और पोलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चुनाव आपको करना पड़ेगा कि राजस्थान में आप ये देखिए कहाँ कहाँ ये होता है, कहाँ आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ महीनों को छोड़कर मानते हैं कि अगर एक दो महीना भी कुछ नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल फूड जिसको कहते हैं एक पार्ट चीनी और एक पार्ट पानी, दोनों का आप घोल बना कर जो है आप मधुमक्खियों को दे सकते हैं ताकि वो जीवन यापन कर सके। पर अगर अच्छा व्यवसाय करना है, आपको अच्छा मुनाफा करना है, तो इसके लिए आपको मधुमक्खी के लिए फूल का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो जैसा आप बता रहे हैं मधुमक्खी फूल का होना जरूरी है। सर कुछ एक और हमारे पास सवाल आए हैं, मैं वो भी लूँ। उससे पहले प्राकृतिक खेती पर हम जान लेते हैं। सर प्राकृतिक खेती की जो आपने बताया कि आवश्यकता क्यों पड़ी, हम रसायनों के ऊपर लगातार निर्भर होते जा रहे हैं और उससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, मिट्टी की जो पूरी संरचना है वो ख़राब हो रही है और वो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। और आगे हम बात करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कई बार प्राकृतिक खेती को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, लोग ये सोचते हैं कि इसमें उस तरह का उत्पादन नहीं मिल सकता है, तो कैसे प्रॉफिट वाली खेती हो सकती है, जैसे कि मैं एक दर्शक का भी सवाल था, तो ये जो भ्रांति है मुझे लगता है इसे भी दूर करने की आवश्यकता है। जी, प्राकृतिक खेती के बारे में मैंने बताया आपको कि प्राकृतिक खेती के जो पाँचों स्तंभ है, अगर इनका सही तरीके से समन्वय किया जाए, जीवामृत, बीजामृत, गण जीवामृत है, सफसलें हैं, वापसा है और मल्चिंग, इनका सही तरीके से समन्वय किया जाए तो निश्चित तौर से ये प्रॉफिटेबल है। भ्रांती किसानों के दिमाग में यही रहती है कि एकदम पैदावार कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती के अंदर अगर आप वैज्ञानिक इस चीज़ को प्रमाणित भी कर चुके हैं कि लगभग और प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि लागत को कम करना और शुद्ध मुनाफे को बढ़ाना है, तो वैज्ञानिक इस चीज़ का प्रमाणित कर चुके हैं कि फसलों के अंदर लगभग 56% तक पैदावार लागत कम हुई है और सब्जियों के अंदर 26% के आसपास लागत कम हुई है और शुद्ध मुनाफे की अगर बात करें तो 19% तक सब्जियों में मुनाफा हुआ है। और अगर सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक खेती में सरकार का भी पूरा योगदान है, तो आने वाले समय में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए 498 करोड़ रुपए का जो 1 करोड़ किसानों के साथ मदद मुहैया किया जाएगी और साथ ही देश के अंदर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। हमारे बजट में कहा गया था। जी तो ये आने वाले 3 सालों के लिए रखा गया है, तो ये है कि इसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इसके जो पांचों स्तंभ है, इन स्तंभों को जो बीजामृत है, जीवामृत है या मल्चिंग है, इनका सही तरीके से समन्वय करना है और सबसे बड़ी का अगर आप लागत कम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें पैदावार बढ़ेगी। जी जी सर, एक सवाल ले लेते हैं सर, ये मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, दरभंगा बिहार से दर्शक हैं हमारे और ये जानना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में कि क्या एक जगह रख कर के ही मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। केशव कुमार सिंह है, क्या बक्सों को इधर उधर हटाने की भी आवश्यकता है या एक ही जगह ही बक्से फिक्स रहें और आप वहीं पर ही शहद निकालते रहें? जैसे मैंने पहले बताया कि मधुमक्खी पालने के लिए, एक अच्छा व्यवसाय के लिए, एक अच्छा मुनाफा लेने के लिए ज़रूरी है कि जो मधुमक्खी है उनके आसपास जो है फूल, जिसको फ्लोरा बोलते हैं, जिसमें नेक्टर और पोलन होना चाहिए। वो सीज़न में भी रहते हैं, वो सीज़न अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बात करें, अगर सरसों की खेती है या तोड़िए की खेती है इस समय, जैसे अभी जो है फूल चल रहा है, तो आप 2 महीने उस समय आराम से आप सरसों के यहाँ अपने बॉक्स रख के आराम से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा अच्छा, क्योंकि दोनों ही चीज़ सरसों में नेक्टर भी और पोलन भी मिलती है, इसलिए अच्छा शहद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको जो है, क्योंकि अगर ये दो ये चीज़ नहीं है, फूल नहीं है, तो फिर आपको एक जगह रख कर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप 10 महीने या 8 महीने अगर आपको बिना फूल के
आर्टिफिशियल फूड अगर मधुमक्खी को देना पड़ा, क्योंकि आर्टिफिशियल फूड देने का मतलब होता है कि आप उसके जीवन यापन के लिए यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए आप दे रहे हो, तो उस समय आपको शहद भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर अच्छा व्यवसाय करना है तो आपको सोच कर चलना पड़ेगा कि इसको माइग्रेट करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ फूलों की खेती होती हो। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा जो है, कई आप हिल्स में जाओगे तो वहाँ मल्टी फ्लोरा होता है, बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनका फ्लोरा होता है। आप सरसों का हो या आप दूसरे लीची का बाग हो या आप जो है अमरूद का बाग हो या आप सब्जी की खेती होती हो, तो उस स्थान पे आप जो है मधुमक्खी पालन कर सकते हैं पूरे साल भर। उसके लिए पूरे साल भर ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है कि फूल होना चाहिए। उसके लिए आप जो है आप पूरी अगर इसकी उस पर जाओगे कि वर्ष भर पूरे साल भर जो है मधुमक्खी के लिए किस किस फसल से जो है फूल मिल सकता है, फ्लोरा मिल सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे साल भर करने के लिए हम एक स्थान नहीं, हमको दूसरे स्थान पर भी इनको ले जाना पड़ सकता है। बिल्कुल सर, एक प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हमारे पास सवाल आया है। ये हमारे दर्शक हैं रामकरण, राजस्थान से हमारे दर्शक हैं, और ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, नैनो यूरिया का प्राकृतिक खेती के तो किसी तरह का हम उर्वरक नहीं इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक खेती का मुख्य जो आधार है, जो जैसा मैंने शुरू में बताया था, प्राकृतिक खेती में लागत को कम करना है, और इसमें जो मुख्य आधार देसी गाय या उसके उत्पाद है या फिर जो भी संसाधन आपके काम में लिए जाते हैं वो गांव या गांव के आसपास ही हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप यूरिया को काम में ले रहे हैं, नैनो यूरिया को काम में ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जमीन के अंदर जाएगी, और जमीन के अंदर जब जाएगी तो जो भी ट्राइकोडर्मा या जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फंगस है, ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये सब मर जाएगी, और जो देसी केंचुए हैं वो भी मर जाएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीन को आपको उपजाऊ बनाना है, तो नैनो यूरिया को इसके अंदर काम में नहीं लिया जा सकता। सर, एक हमारे पास ये बरेली से आया है सवाल, और ये प्राकृतिक खेती पर ही जाना चाहते हैं कि क्या कीटों से बचाव के लिए कोई उपाय है? सुधांशु है बरेली उत्तर प्रदेश, यानी प्राकृतिक खेती में कीटों से बचाव कैसे करें? और सर, ये अक्सर हमारे साथ सवाल शेयर करते हैं दर्शक किसान कि इतने घातक कीट और बीमारियां हो रहे हैं, क्या प्राकृतिक तरीके से इनका प्रबंधन किया जाना संभव है? जी, निश्चित तौर से प्राकृतिक खेती के अंदर कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए आपको नीमास्त्र बना सकते हैं, जो कि आप देखेंगे लीफ माइनर या जो रस चूसक कीड़े हैं, सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर, ये हैं, इसके लिए नीमास्त्र बना सकते हैं। जब छोटी इल्लियां हों तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, और जब फाल आर्मी वार में या पोर बोरर है या फली छेदक है उसके लिए अग्निअस्त्र को काम में लिया जा सकता है, और जब बाद में बहुत ज़्यादा स्थिति में अगर कीड़ों का आक्रमण हो गया है तो उसके लिए 10 पर्णी अर्क काम में लिया सकता है। अगर शुरुआत की अवस्था पे आप नीमास्त्र को आप काम में ले सकते हैं, आसानी से नीम की पत्तियां मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 100 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपको 1 किलो गाय का गोबर लेना है, देसी गाय का गोबर लेना है, और 5 किलो देसी गाय का पेशाब लेना है, उसके अलावा 5 किलो निम्बोली और 5 किलो नीम के पत्ते, इन दोनों की चटनी आप बना लें और इसको सभी को आप आपस में मिला लें, और 24 घंटे के तक इसको पड़ा रहने दें, और 3 माह तक इसको घोल को प्रयोग में ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप उसको छान के 48 घंटे पड़ा रहने के बाद इसको छान के खेत में स्प्रे कर सकते हैं, तो जो लटे हैं जो लीफ माइनर है या जो रस चूसक कीड़े हैं वो मर जाएंगे। अगर छोटी लटों की समस्या है तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मास्त्र इसमें आप काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको 20 लीटर देसी गाय का पेशाब, देसी गाय के पेशाब में हमेशा ध्यान रखें कि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल, ये तीन ही तरह की प्रॉपर्टी होती है जो मिर्ची के अंदर मरोड़िया रोग है या वायरस जनित जितनी भी बीमारी है वो सब इससे कंट्रोल हो सकती है। तो ब्रह्मास्त्र के लिए आपको 20 लीटर देसी गाय का पेशाब लेना, और 5 तरह की पत्तियां जो आपके गांव में आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उसमें आक, दतूरा, अनार, लेंटाना है, तुलसी है, हजारा है, कनेर है, पपीता है, इसमें से किसी भी 5 तरह की, सीताफल है, इसमें से 5 तरह की पत्तियों की आप चटनी बना ले, और जो 20 लीटर आपने देसी गाय का पेशाब लिया इसको एक बार उबाल लेवें,
एक उबाल आने के बाद इसको ठंडा कर लेवे और ठंडा करने के बाद इसको 200 लीटर पानी में मिला के आप इसको छाट सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इसको लगभग 6 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ब्रह्मास्त्र से जितनी भी आपकी जो छोटी लटें हैं वो मर जाएगी जी जी। और बात वाली अवस्था में बहुत सारे अगर प्रश्न आएंगे तो 10 पर्णी अर्क का भी काम में ले सकते हैं और अग्नि अस्त्र भी आपको काम में ले सकते जी। हैं। सर एक सवाल है, ये हमारा मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, ये चुमन साहू हमारे दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से और ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके क्षेत्र में मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, उसके लिए जो बक्से जो हैं वो कहाँ से लें, उनकी कीमत क्या होगी? बक्से अगर आपको लेने की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं एक चीज और इन्होंने पूछा है कि सरकार की क्या कोई योजना है जिससे इन्हें लाभ मिल सकता है मधुमक्खी पालन में? साहू साहब, मैं एक चीज तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सोचा है तो सबसे पहले तो आप एक प्रशिक्षण ले लीजिए। प्रशिक्षण आपके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में भी आपको मिल जाएगा, आपके जिले के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, खादी ग्राम उद्योग भी प्रशिक्षण देता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और राज्य सरकारें भी आजकल मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण दे रही है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसा व्यवसाय है, क्योंकि ये एक सामाजिक कीट है तो इसके बारे में जानना, इसके क्रियाकलापों के बारे में जानना कि ये क्या करती है, कैसे जो है जो आपका नेक्टर है पोलन है कैसे कलेक्ट करती है, कैसे इकट्ठा करती है, साथ ही ये कहाँ तक जो है कितनी दूरी तक अपना जो है नेक्टर या पोलन लेकर आती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से सदस्य मधुमक्खी पालन में होते हैं, जैसे रानी मधुमक्खी है या वर्कर है या नर मधुमक्खी है, तो आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन कौन सा पहचान सको आपका इनमें से कौन है। तो इसके अलावा आपके जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मधुमक्खी की आपके जानकारी में होनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण लेने के उपरांत फिर आप इसका, अगर आप बॉक्स की बात करते हो तो नेशनल बी बोर्ड भी जो है मधुमक्खी के बॉक्स देता है, खादी ग्राम उद्योग भी जो है उनके यहाँ ट्रेनिंग भी होती है 10 दिन की 15 दिन की, उसके बाद वो जो है कुछ बॉक्स भी देते हैं। और आपने बात की थी कि कुछ सरकार भी क्या इस पर कुछ सब्सिडी देती है, बिल्कुल, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी अगर आप प्रशिक्षण लेते हो तो उसमें अगर आप वहाँ से ले रहे तो आप उसमें लगभग 25% के करीब आपको देना पड़ेगा एक बॉक्स के लिए जी। और एक बॉक्स की कीमत जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अलग अलग स्थान वाइज अलग हो सकती है, सिचुएशन अलग हो सकती है, क्योंकि लकड़ी के पे भी डिपेंड करता है और जो है कई चीज़ और भी करते हैं, पर अगर आप जनरली बात करें तो लगभग 4,000 रुपये में आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर लगभग 10 फ्रेम होते हैं जी जी। तो आप जो है 4,000 के आसपास आप ले सकते हो। और खादी ग्राम उद्योग से भी जो मैं बता रहा हूँ कि सब्सिडी मिलती है, उसमें 25% आपको जमा करना पड़ेगा और 75% का अनुदान आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा। वो नेशनल बी बोर्ड भी इसको जो है कुछ सब्सिडी देता है, तो सरकार की बहुत जो है, क्योंकि आपने देखा होगा मीठी क्रांति जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपने जो है प्रोग्रामों में इसके बारे में बताते हैं, उसमें भी साथ ही साथ उन्होंने इस साल भी पिछले साल भी इसके लिए मधुमक्खी पालन के लिए अलग बजट भी इसमें आया है, जिसमें कहीं प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं साथ ही साथ कुछ बॉक्स भी उसमें दिए जाते हैं, ताकि कुछ जो गरीब हैं जो खुद खरीद नहीं पाते तो प्रशिक्षण तो ले लिया, प्रशिक्षण लेने के उपरांत वो कार्य शुरू नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ जो है सरकार ने ये रखा है कि भाई इतने बॉक्स जो है इनको सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरह से आप बॉक्स ले सकते हैं। ये ध्यान रखें आप, आपका नियर के जो नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र है उससे जरूर संपर्क करें, वो आपको बता सकते हैं कि आपके जिले में कौन ऐसे भी होते हैं कि जो पुराने बी कीपर हैं, मधुमक्खी पालक जो पहले से कर रहे हैं, वो भी जो है मधुमक्खी पालन का जो बॉक्स होते हैं वो सेल करते हैं, वो अच्छे सही सस्ते पैसों में भी उनसे मिल जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की आप सहायता जरूर लें अपने जिले की, वो आपको पूरी के पूरी डिटेल आपको बता देंगे जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कैसे आप केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता ले सकते हैं, और हर ज़िले में केवीके हैं जहां आप जा करके जो विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल लेने का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारे और हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आए हुए हैं, उन्हें हम तुरंत कार्यक्रम में शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
अपनी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आज के जो विषय जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके सवाल ले रहे हैं, आपको हम बता दें आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं और इसके क्या हैं लाभ। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं, उन्हें हम बारी बारी से कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। सर, अब आगे हम बातचीत को बढ़ाएं उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो हम प्राकृतिक खेती के विभिन्न स्तंभों की बात करते हैं उसमें जीवामृत, घनामृत ये क्या हैं? जी, जीवामृत एक बहुत प्रभावशाली जैविक खाद है जो कि देसी गाय के गोबर और पेशाब से इसको तैयार किया जा सकता है और गुड़ और सजीव मिट्टी भी इसके अंदर मिलाई जाती है। इससे रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है, पाले से इससे बचाया जा सकता है फसल को और कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। तो इसको एक बहुत ही प्रभावशाली एक जैविक खाद है। तो जीवामृत को बनाने के लिए सबसे पहले 1 एकड़ के लिए अगर आप काम में ले रहे हैं तो इसके लिए आपको 180 लीटर आपको पानी लेना है। वो पानी हमेशा ध्यान रखें खारा नहीं होना चाहिए और बहता हुआ पानी होना चाहिए। इसके अलावा आपको 10 किलो देसी गाय का गोबर लेना है। देसी गाय के गोबर इसलिए लेना है कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में लगभग 300 करोड़ जीवाणु होते हैं और जबकि जो संकर गाय होती है उसमें 78 लाख के आसपास ही जीवाणु होते हैं। तो इसलिए आपको देसी गाय का गोबर लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देसी गाय का गोबर जितना ताज़ा होगा उतना बढ़िया है। और तो इसमें हमेशा ये ट्राइकोडर्मा है या नाइट्रोजन फॉस्फेटिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोलूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सभी इसके अंदर होते हैं। तो देसी गाय का गोबर लेना और ये ध्यान रखें जो गोबर ले रहे हैं वो जो बिन ब्याई जो बूढ़ी गाय होती है उसका लेवें तो उससे क्या होता है जो दूध देने की जो उसमें क्षमता या जो कैपेसिटी जो ख़त्म होती है वो उसमें नहीं रहेगी और जो गोबर अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि 10 लीटर इसमें देसी गाय का पेशाब लेना है। पेशाब में हमेशा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है और पेशाब जितना देसी गाय का पुराना होगा उतना बढ़िया है। इसके अलावा आपको 1 किलो काला गुड़ लेना है। काला गुड़ इसलिए लेना है कि इससे के जो जीवाणु इसमें काम कर रहे हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में लेना है। और 1 किलो दाल का आटा, दाल का आटा खासकर आपके मूँग, उड़द, राजमा, चवला, चना, अरहर इसका ले सकते हैं। और ये सोयाबीन का नहीं ले क्योंकि सोयाबीन का अगर उस पर दाल का आटा करेंगे तो उससे तेल बनेगा और तेल ऊपर आएगा तो जीवाणु उसके ऊपर मर जाएंगे। और 1 किलो आपको सजीव मिट्टी या 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी लेनी है, उसमें जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है जो कि फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप मिला लें तो जीवामृत आपके 2 से 3 दिनों में ये बनकर तैयार हो जाती है और इसको 7 दिन के अंदर आप इसको काम में लेना है। इसको काम में लेने का तरीका यही है, अगर या तो खेत की जुताई कर रहे हैं उस वक्त उसे छिटक देवें या फिर अगर आप फलदार पौधों को दे रहे हैं तो इसको 5 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से और अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो इसको 3 लीटर प्रति 15 लीटर के हिसाब से इसको काम में लेना चाहिए। और जब जीवामृत जहाँ काम करेगा, जहाँ की खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। और अब घन जीवामृत जहाँ काम में लिया जा सकता है, जहाँ की लेबर की समस्या हो, खारा पानी हो और चीज़ों को दूर दराज के खेत हो तो वहाँ घन जीवामृत का काम में लिया जा सकता है। इसके लिए आपको 100 किलो गोबर लेना है, गाय का पेशाब आवश्यकता अनुसार लेना है और 1 किलो दाल का आटा लेना है, 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी लेनी है और 1 किलो गुड़ लेना है। इन सबको आपको आपस में मिला लेना है और मूत्र को इसमें आवश्यकता अनुसार मिला के आपके लड्डू जैसे इसको बना लेने हैं और 48 घंटे पड़े रहने के बाद इसको आप पीस के अच्छी तरह पीस लेवें और उसके बाद साल भर तक आप इसको बोरों में भर के रख सकते हैं। जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त घन जीवामृत
1000 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देवें या फिर हर 21 दिन में आपको देना है। तो इससे क्या होगा, जमीन में उर्वर शक्ति बढ़ेगी, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और जो जितने भी अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो आपकी जमीन पोची होगी और पैदावार भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जी जी बिल्कुल। सर एक हमारे पास सवाल आया हुआ है, हमारे दर्शक हैं ये और इन्होंने हमें चंडीगढ़ से सवाल भेजा है, आस्था है, और ये जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी व्यवसाय में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी एक व्यवसाय की तरह अगर इसको हमें स्थापित करना है तो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एक अच्छे व्यवसाय के लिए हमको किन चीज़ों पर, क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले बताया कि मधुमक्खी क्या है, एक कीट है, एक सामाजिक कीट है, इसी से सारी जो चीज़ें हैं। क्योंकि पहले क्या है कि मधुमक्खी को पाला इसलिए जाता था कि ये पता था शहद के लिए, पर आज क्या है कि मधुमक्खी के बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहले नहीं जानते थे। आज मधुमक्खी के जो है शहद के अलावा आपका वैक्स है, रॉयल जेली है, पोलन है, ये सब चीज़ें आप इस, ये तो प्रत्यक्ष चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष है जिसको कहते हैं जो है परपरागण, मधुमक्खी का परपरागण में कितना बड़ा योगदान है कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अगर ये बात करें कि मधुमक्खी जो मधुमक्खी पालक है जी, जो पाल उसको 1 रुपया प्राप्त होता है, जो तो काश्तकार है लगभग उसको 16 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि इतना बड़ा फायदा मधुमक्खी का किसमें है, परपरागण में। लगभग जो फसलें हैं आपकी, अगर हम सरसों की बात करें तो लगभग 20-25% तक उत्पादन जो है मधुमक्खी के द्वारा बढ़ जाता है। तो आपको मधुमक्खी के पालने के लिए उन चीज़ों का सबसे पहले तो जरूरी है कि मैंने बताया था प्रशिक्षण आप जरूर लें, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए सबसे पहले कि जो मुख्य सड़कें होती हैं उनसे काफ़ी हटके होना चाहिए, क्योंकि जब हम जगह का चुनाव करते हैं तो ये जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि जब मधुमक्खी उड़ान भरती है वो सड़क पास में है, तो कई बार जो आपकी ट्रैफिक चलता है उसके कारण कई बार टकराव होने के कारण में मधुमक्खी की मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही साथ दूसरा चुनाव करें कि जहां फूल की बात कर रहा हूं मैं, पहले भी की है कि ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहां फूल यानी कि फलोरा जो है भरपूर मात्रा में हो, ताकि मधुमक्खियों को प्राप्त हो तो अच्छे से शहद का उत्पादन किया जा सके। साथ ही आसपास अच्छे पानी यानी कि शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है, वहाँ साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मधुमक्खी का परिवार ये बॉक्स तो रख दिए, वहाँ क्या होता है कि अब बहुत सारे खरपतवार हैं तो उनके माध्यम से कई बार जो चींटियाँ होती हैं वो चींटियाँ आपके मधुमक्खी के बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं, वो शहद के पास वो जाती हैं तो शहद को वो खाती हैं, इससे मधुमक्खी को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मधुमक्खी परेशान होकर बॉक्स को छोड़ के ही दूसरे स्थान पर चली जाती जी, है जी, जी। तो ये सब चीज़ें प्रशिक्षण लेना आपके लिए जरूरी इसलिए है ताकि आपको मधुमक्खी की सब चीज़ों के बारे में बात पता चल जाए। बात करते हैं कि अगर अच्छे व्यवसाय की आप बात कर रहे हो तो मधुमक्खी की कई प्रजातियाँ होती हैं, तो इसके लिए आप, क्योंकि सभी मधुमक्खी को पाला नहीं जा सकता, जैसे आपके एपिस डोर्सेटा होती है जिसको हम कहते हैं पहाड़ी मधुमक्खी, पर उसको पालना आसान नहीं है, उसको जो स्वभाव है उसका बहुत उग्र स्वभाव की होती है, शहद तो बड़ा अच्छा देती है पर स्वभाव जो होता है उसका उग्र होता है, तो इसलिए इसके लिए आप एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है मधुमक्खी उसका चुनाव करें और उसको जो है, क्योंकि इससे अच्छा आपको शहद प्राप्त होगा, क्योंकि मधुमक्खी जो एपिस मेलिफेरा है इसकी जो रानी मधुमक्खी होती है इसकी जो अंडे देने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, ये बात ध्यान रखें कि एपिस मेलिफेरा का आप चुनाव करें। साथ ही साथ आप जब पाल रहे हैं ये ध्यान रखें कि रानी जो मधुमक्खी है वो स्वस्थ होनी चाहिए और यंग होनी चाहिए, जितनी स्वस्थ रानी मधुमक्खी और यंग होगी इतना ही अंडों का अधिक जो है उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन अंडों का होगा तो बच्चे अधिक निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और उसके उपरांत जो है आप मधुमक्खी का पालन का कार्य शुरू करें। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, क्योंकि कई बार हम कोई कार्य तो शुरू कर लेते हैं लेकिन जो बुनियादी ज़रूरी बातें होती हैं उनकी हमें जानकारी नहीं होती है, उनका ज्ञान नहीं होता और यहीं पर हमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। कोई और भी सवाल है तो ज़रूर हमें आप ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करें। हमारे मेहमान लगातार स्टूडियो में आपके लिए, आपके सवालों के लिए उपस्थित हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।
सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 DD किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे अभी भी जुड़े हमारे साथ, तो एक बार फिर से आज का विषय बता दें। आज हम बात करें मधुमक्खी पालन के बारे में, और साथ ही कैसे करें आप प्राकृतिक खेती। कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल और आए हुए सर, ये भी ले लेते हैं। और ये हमारे पास सवाल जो है ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ है, और जानना चाहते हैं रागी और करेले की क्या प्राकृतिक खेती की जा सकती है, कैसे करें विस्तार से बताएं। सतीश आजमगढ़ से। जी, रागी और करेले की जब आप खेती कर रहे हैं तो मैं हमेशा शुरुआत करें आपसे, घनजीवामृत आपको 1000 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको ज़मीन के अंदर मिलाना है। और उसके बाद हमेशा ध्यान रखें, जब भी बीजों को, प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि उसको बीजामृत से आपको संस्कारित जरूर करें। तो रागी और करेले के जो बीज हैं उसको आपको बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए अगर आप 100 किलो बीज अगर आप ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको 20 लीटर पानी लेना है, और 5 किलो देसी गाय का पेशाब लेना है, 5 किलो देसी गाय का गोबर लेना है। और हमेशा ध्यान रखें, पेशाब जो होता है गाय का, जो देसी गाय का पेशाब होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो इसके अंदर आपको 50 ग्राम चूना मिलाना है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको मिलाना है। 1 किलो आपको सजीव मिट्टी लेनी है, तो इसको अच्छी तरह आप गोल लें और 24 घंटे इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद उस बीज को आप संस्कारित कर दें, मतलब बीजोपचार उसको कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो भी बीमारी है, जब आप देखेंगे कि कभी कोलर रोट आ जाती है, कभी जड़ सड़न आता है, तना सड़न आता है, तो ये बीमारी आगे जाके नहीं हो। और प्राकृतिक खेती का सबसे बेसिक सिद्धांत ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब आप इलाज से बेहतर आप रोकथाम है। जब एक बार आपकी बीमारी आ गई तो थोड़ी समस्या रहती है, तो आपको और बीज उपचार के बारे में कहा जाता है कि अभी तो कर्ण बाद में मण, तो अभी आपका अगर बीज उपचार आपने कर लिया तो आने वाले समय में जो फल है, चाहे करेले के हों या रागी की फसल हो, वो उसे प्रभावित नहीं होगी। उसके बाद आपको हर 21 दिन पे जीवामृत का, जो मैंने अब आपको बताया, हर 21 दिन पे आपको इसको 5% से शुरू करना है, मतलब आपको 200 लीटर पानी के अंदर आपको 10 लीटर जीवामृत लेना है, और उसके फिर 21 दिन बाद आपको 200 लीटर के अंदर 10%, मतलब 20 लीटर आपको जीवामृत मिलाना है। और उसके 21 दिन बाद आप जरूर देखें, इसमें छाछा रोग वगैरह आता है, तो इसके लिए आपको क्या करें कि जो खट्टी छाछ होती है, जो 4 से 5 दिन पुरानी है, तो उसको 200 लीटर पानी के अंदर 20 लीटर खट्टी छाछ को मिला के आप इसको छिड़काव करें, तो इससे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप करेले की फसल ले रहे हैं तो साथ साथ में आप इसको मक्का को भी साथ में लगाएं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में सह फसल लगाना भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो सह फसल में इसमें आप देखेंगे कि इसमें आगे जाके करेला में फल मक्खी का प्रकोप आता है, तो इससे क्या होगा कि फल मक्खी इससे कम लगेगी, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और बाद वाली अवस्थाओं में जैसे ही इसमें कीड़े वगैरह की समस्या आए, एक आप स्प्रे शेड्यूल जरूर बना लेवे, उसमें हर सप्ताह में आपको 4 छिड़काव करने हैं। पहला छिड़काव आपको जो मैंने कीटनाशक बताए थे, दूसरा छिड़काव आप पोषण का करें जिसमें जीवामृत को काम में लें, और तीसरा छिड़काव वापिस आप जीवामृत का करें, और चौथा छिड़काव जब आप कर रहे हैं तो इसके अंदर 100 लीटर पानी के अंदर आपको 15 लीटर जीवामृत और 5 किलो छाछ का उपयोग करके आपको छिड़केंगे, तो बाद वाली अवस्था में जो भी ब्लाइट है या झुलसा रोग है या जो जल झुलसा रोग है और जो धब्बे पड़ जाते हैं जिससे कि पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है, वो नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी। जी सर, एक सवाल है मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ, आयुष है हमारे दर्शक हरियाणा से, जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन में सरकार की तरफ से क्या कोई सब्सिडी है और वो सब्सिडी क्या है। आयुष जी, सरकार की तरफ से जैसे मैं अभी बता भी रहा था
कि जो MIDS जो मिशन है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी जो ये स्कीम है, क्योंकि ये स्कीम राज्य सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है, तो आप जो आपके नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और आपके यहाँ ज़िले की जो भी स्कीम है मधुमक्खी से पालन से संबंधित हो या बागवानी से संबंधित हो, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग जो मैं बताया था कि इसके लिए लगभग आपका 75% का अनुदान है, अगर कोई ट्रेनिंग वहाँ से कर रहा है 25% उनको देना पड़ेगा। ऐसे ही इसी तरह से नेशनल बी बोर्ड की भी स्कीम है कि जिसमें आपको 40% तक सब्सिडी मिलती है, वो 50 बॉक्स की है, 2,20,000 रुपये की वो स्कीम है, उसमें 40% का जो है सरकार की के द्वारा अनुदान उसमें दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम है जो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। जी सर, प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ एक और सवाल हमारे पास आया है, और ये हमारे दर्शक हैं शोएब इब्राहिम नांदेड़ महाराष्ट्र से, ये जानना चाहते हैं क्या महाराष्ट्र में भी प्राकृतिक खेती संभव है? जी, प्राकृतिक खेती हर जगह संभव है। थोड़ा एक मिट्टी का आप जानकारी ले लें, मिट्टी आपके यहाँ कोई किस तरह की मिट्टी है? मिट्टी मुख्यतः चार तरह की होती है, सिल्ट, क्ले, लोम और सैंडी लोम है। तो जैसी भी मिट्टी है एक बार मिट्टी की जाँच करा लें, और उसके अंदर आप शुरू में आप मैंने बताया था आपको कि जीवामृत इसमें मिलाएं, और उसके बाद जो मल्चिंग करें, खासकर मल्चिंग अगर आप करते हैं, मल्चिंग में हमेशा ध्यान रखें कि डोले लगाकर आप फसल जो भी ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती में शुरू में ये ध्यान रखें कि आप इसको कोशिश ये करें कि फिट द सोइल, मतलब इसका पहले सिद्धांत प्राकृतिक खेती का यही है कि फिट द सोइल नॉट द प्लांट। तो आपको उसको प्राकृतिक खेती के अंदर ह्यूमस की मात्रा को आपको बढ़ाना है, जो भी फसल आप ले रहे हैं उसको आपको डोले पे लगाना है, और ये जरूर ध्यान रखें कि जब फसल आप जैसे इस डोले पे लगा रहे हैं तो पानी आपको जो साइड वाली नाली है उसके अंदर देना है, और जो दूसरी वाली लाइन है उसके अंदर आपको मल्चिंग करनी है। इसमें आप फुहाल की मल्चिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एरोबिक जीवाणु हैं तो उससे उसकी पैदावार बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। और हर तरह में प्राकृतिक खेती हर जगह संभव है, बस थोड़ा समय लगता है लेकिन प्राकृतिक खेती संभव है। जी डॉक्टर राणा, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मैं जानना चाहूँगी कुछ और विशेष बातें जिसका ध्यान रखना हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं या फिर जो किसान हैं उनके लिए आवश्यक है। बिल्कुल, मधुमक्खी पालक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी जो सीजनल चीज़ें हैं, जैसे अभी जो है सर्दी का समय है, तो ऐसे समय जो मधुमक्खियाँ हैं उनको ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि कई बार ठंड में जो है बहुत परेशानी मधुमक्खी को होती है, और इसके कारण कई बार वो उड़ान तो भरती है मगर वापस वो जो है अपने परिवार के पास नहीं आ पाती, ठंड के कारण कई बार उसको दिक्कत होती है। तो उसकी व्यवस्था करें, अगर आपको लगता है कि सुबह के समय ज़्यादा ठंड है तो उस समय उसका उनका जो द्वार है उनको बंद रखें कि जल्दी सी बाहर ना निकलने दें उनको। जी जी। उसके बाद जो उनको जो है अच्छे से सही तरीके से उनको पोली बैग से या आपके टाट की जो बोरियां होती है उनके माध्यम से जो है उनको ढका जाए ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो ठंड से बच सके। वैसे मधुमक्खी एक ऐसा जीव है कि वो अपने आप भी अगर ठंड होती है तो उसमें अपने परिवार में वो गर्मी पैदा करता है, और अगर गर्मी है तो परिवार के में टेम्परेचर को कम करने के लिए वो ठंडक पैदा करता है, वो अपने माउथ से जो है मुंह से पानी की फुहार निकालता है ताकि जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है तापमान है वो कम हो जाए। तो जो सीजनल चीज़ है मैनेजमेंट है उसका प्रबंध जरूर रखें, साथ ही साथ कुछ बीमारी की अगर समस्या लगती है तो उसका निदान पर विशेष ध्यान दें। और जो मैं बता रहा हूँ कि फूल की जाए कि ऐसा स्थान का चुनाव करते रहें कि जहाँ फूल मिलता रहे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इससे लाभ ही लाभ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया लाभ ही लाभ है, तो हमारा मकसद भी यही होता है कि ऐसे हम आपको विकल्प बताएं जिन्हें हमारे किसान अपना सके और उन्हें लाभ हो सके। डॉक्टर दीपक, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी शीतलहर का प्रकोप है और प्राकृतिक खेती में पाले का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पाला पड़ता है तो खासकर उत्तर पश्चिम दिशाओं से ठंडी हवाएं चलती है, तो आप इसका जरूर ये ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत निरंतर अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने से ये होगा कि एकदम तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, और कोशिश ये करें कि इसके अंदर देसी जो प्राकृतिक खेती में आप काम में ले सकते हैं जो मेथी जो होती है उसको, मेथी को आप काम में ले सकते हैं, मेथी दाना जिसको कहते हैं इसको आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि मेथी के अंदर
राइबोफ्लेविन, फोफोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह सब पोषक तत्व होते हैं। तो इसको आप 10 किलो मेथी ले लें, 1 किलो मेथी ले लें और 10 लीटर पानी के साथ इसको मिला लें और इसको रात भर पड़ा रहने दें और इसको फिर आप 250 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़कें, हर 7 दिन के अंतराल पर छिड़कें, या फिर इसके अंदर 50 ग्राम इस मेथी का पानी ले लें और 50 ग्राम देसी गाय का पेशाब ले लें और जो राख होती है लकड़ी की उसको मिला लें, क्योंकि उस राख के अंदर सल्फर होता है। तो सल्फर क्या करता है कि जो पाला पड़ने में जो पानी होता है वो पानी जम उसको पानी को या कोशिका द्रव को जमने नहीं देगा। तो इन तीनों को टंकी के अंदर मिला लें और इससे छिड़काव करेंगे तो अभी शीतलहर से प्राकृतिक खेती में आप फायदा ले पाओगे। जी जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो रही है, चाहे आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या फिर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इस वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दीपक जी आपका भी, आनंद जी आपका भी, आज स्टूडियो में आए और दोनों विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं नज़र। अगले अंक का विषय है रबी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन और साथ ही हम बात करेंगे सेब के बागों की देखभाल। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, यानी कार्यक्रम के बाद भी नंबर उपलब्ध है 1800-1130-60। और नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन उससे पहले ये भी जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हेलो किसान। आज का एपिसोड भी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, पूरा नहीं देख पाए या फिर कोई जानकारी आप ठीक से नहीं नोट कर पाए हैं तो भी यूट्यूब पर जाएँ और हेलो किसान कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर हमारे DD किसान के चैनल पर ज़रूर देखें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।